तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज दोबारा से बात करेंगे बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो 22 नवंबर को स्टार्ट होने वाली, थोड़े ही टाइम रह गए हैं। और एक और खबर निकल कर आ रही है, जैसा आपको पता है कि रोहित शर्मा है जो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। अब ये 100% कन्फर्म हो गया है क्योंकि खबर निकल कर सामने आ रही है कि उनके वाइफ बेबी कंसीव करने वाले हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक टेस्ट मैच की एक तरीके से बीसीसीआई से लीव ली है और वो अप्रूव हो गई है। तो पहला टेस्ट मैच यानी कि पर्थ का टेस्ट मैच रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। अब उनकी एब्सेंस में कौन खेलेंगे? जैसा आपको पता है कि यशस्वी जायसवाल तो खेलेंगे खेलेंगे, उनके अपोजिट कौन खेलेंगे? तो आपके पास दो नाम आते हैं, एक तो अभिमन्यु ईश्वरन है जो डेब्यू कर सकते हैं, या फिर केएल राहुल है जो एक्सपीरियंस है। तो जो अगर हम नेट्स की जो प्रैक्टिस की इमेजेस देखें तो यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि केएल राहुल जो है ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल का। और इसका एक और संदेश ये लगता है कि ये संकेत लगाया जा सकता है कि गौतम गंभीर में जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो केएल राहुल पर काफ़ी उन्होंने एम्फसाइज किया था कि वो ओपनिंग कर सकते हैं। तो अब ये कंफर्म मेरे ख्याल से, अगर मैं कहूँ, अगर मैं अपने अनुभव से कहूँ तो भाई केएल राहुल ही करेंगे ओपनिंग, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन अभी नए नए हैं, उनका डेब्यू कराना चाहते हैं, वो अच्छी पिच में कराना चाहेंगे ना। पर्थ तो बहुत आपको पता है कि सबसे तेज, वन ऑफ द फास्टेस्ट पिचेस है वर्ल्ड की, उतनी उछाल और इतनी तेज बाउंस आते, तो उसमें उनका सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है इंटरनेशनल मैचेस का। प्लस केएल राहुल की अगर देखें तो एक्सपीरियंस बहुत है उनको टेस्ट मैचेस का, और वो पहले से ही ओपनिंग करते आ रहे हैं, वो अपने डेब्यू में या फिर अपने रणजी मैचेस में वो, या डोमेस्टिक में जब उनकी शुरुआत हुई तब तो वहाँ पर भी ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं वो टेस्ट मैचेस में। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात करें तो केएल राहुल का बहुत ख़राब रिकॉर्ड है। वहाँ पर पर्थ में इन्होंने एक मैच खेला है और एक मैच में मात्र 2 रन बनाकर वो आउट हो गए थे। लेकिन अगर ये वाला मैच खेलते तो उम्मीद है कि वो अपना रिकॉर्ड सुधारेंगे और टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा का अच्छा रिप्लेसमेंट लाएंगे पहले टेस्ट मैचेस के लिए। तो उम्मीद है कि यशस्वी जायसवाल के साथ वो अच्छा कॉम्बिनेशन अपनाए। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन तो है ही आपके पास, तो उम्मीद है कि ये वाली जो है चाल चल जाए इंडिया के लिए और पहला टेस्ट मैच से ही अच्छी शुरुआत करिए। तब तक के लिए ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।